नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को ई कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात की। मोदी से मिलने के बाद मस्क ने कहा कि सस्टेनेबल एनर्जी के भविष्य के लिए भारत में सौर पवन ऊर्जा की अच्छी संभावना है। एलन मस्क ने कहा कि मैं मोदी का फैन हूँ, जल्द टेस्ला भारत में होगी। हम भारत में सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम से टिकाऊ बिजली उत्पादन और बैटरी में ऊर्जा भंडारण के लिए क्षमता भी देख रहे हैं। हम भारत में स्टारलिंक ले जाने के बारे में भी सोच रहे हैं, जो कि भारत के दूरदराज इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने में मदद कर सकती है। मस्क टेस्ला की अगली फैक्ट्री के लिए जगह तलाश रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की थी। बता दें कि मोदी बुधवार को वाशिंगटन पहुंचे। यहां एंड्रयू एयरपोर्ट पर राजकीय सम्मान के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। अब दुनिया की नजरें दोनों देशों के बीच संभावित रक्षा, नवीन ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में होने वाले करार पर टिकी है। माना जा रहा है कि सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में बड़े करार हो सकते हैं। पीएम ने दुनिया की अग्रणी कंपनी माइक्रोन के सीईओ संजय मेहरोत्रा के साथ वन टू वन मीटिंग की। इसी के